बॉस, प्रेम पीड़ा से पीड़ित प्रेमी आपसे मिलना चाहता है। आन दे। काट के तेरी प्रेम की गड्डी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की भी मुझसे प्यार करती है, पर लड़की का परिवार हमारे प्यार का दुश्मन है। अब आप ही कुछ कीजिए, हम बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलवाइए, हमारी शादी करवाइए, वरना हम मर जाएंगे। तेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो पहने हुए कपड़ों में घर से भागे? वो तो भागने के लिए तैयार, पर उसका पति उसे भागने नहीं देगा। पति? क्या तुम उसकी स्टेपनी हो? मैं ऐसे मैट क्या कर रहे हो बॉस? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 6 महीने से हमने इस आश्रम का भाड़ा तक नहीं भरा। हमारे सारे 6 पैक्स वाले साइज 0 बनते जा रहे हैं। कोई भी आकर इन्हें मंदिर के घंटे की तरह बजा कर जाता है। बॉस जरा कान आगे लाओ, राशन की दुकान में गेहूँ 1 रुपया किलो बिकता है, और हम भिखारी तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये लवर भी चला गया तो हमारा क्या होगा बॉस? किकू, समझ ले, रोटी का इंतजाम हो गया। मैं उस पराई नारी को हमेशा के लिए तेरी बना दूंगा। ठीक है। आज रात उसे बोरी में डालेंगे, कल सुबह मंदिर जाएंगे, आरती के बाद तेरी शादी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मेरे अकाउंटेंट कम असिस्टेंट को पैसे दे दो, पेट्रोल भाड़ा अलग से। ओके, यस। कल मंदिर पहुंच जाना, दफा हो। भाई कोई डिस्काउंट? क्या कर रहे हो, बकरा भाग जाएगा। बेरोजगारी में गुस्सा पीना पड़ रहा है, वरना इतने कम भाव में मांडोली करना प्रेम पुजारी को पसंद नहीं है। सीजन हॉट है मगर धंधा मंदा है। इससे मिलाने के पैसे लिए पति से पत्नी को वापस दिलाने के पैसे लेंगे। एक तीर से हम मारेंगे 2 निशाने, आशिक को मिलेगी भाभी, पति को पत्नी। जहाँ से स्टोरी शुरू वहीं खत्म। जितने कमीने आप दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा कमी। बेवकूफ, पैसा लेके कस्टमर का काम पूरा करने से कंपनी का नाम होता है। तुझे कड़िया काम में पर डे जो मिलता था उससे ज्यादा ही देता हूँ ना। लुंगियाँ निकाल के उसकी बोरियां बना लो। ऑपरेशन भाभी शुरू। मुझे नहीं लगता वो 500 में मानेगा। मैं भाव करूंगा ना, बाटली में उतार लूंगा उसे। अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक लगता है, चल वापस चलते हैं। अबे रुक, कौन सा पैसा खर्चा करके आए, विदाउट टिकट तो आए, चल। अबे प्रेम पुजारी तो सॉलिड धुलाई करता है। जो मार खा रहा है वो प्रेम पुजारी है। अबे साले, शहंशाह के गेटअप में कोई शहंशाह नहीं बनता है। कल रात में बियर में विस्की डालकर आउट क्या हो गया, तू मेरी बीवी को मौके पे चौका मार के भगा ले गया। hey, भगा नहीं ले गया, मैं तेरी नाजुक पत्नी को अपने मजबूत कंधे पर ले गया। अरे तू हुलिये से तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। तो क्या हुआ, प्रेम जो जिम्मेदारी कंधे पे उठा लेता है उसे पूरी किए बिना चैन से नहीं बैठता। भाभी को उसका आशिक भगा ले गया, 2000 दे उसे वापस लेकर आता। 2000 मांगता है ये, साले तेरी तो मैं फाट लगा दूंगा। रुक, निकल। आज के बाद शादीशुदा भाभी का केस कभी मत लेना, अत्तड़ियां तोड़ दी साले ने। बॉस, उस भाभी का केस भूल जाइए, नया केस आया है, मुंह मीठा कीजिए। दूसरे केस में धुलाई ना हो तो अच्छा है। ये बच्चा पार्टी कौन है? सालों, जब भी मेरी धुलाई होती है तुम उसका लाइव टेलीकास्ट सार्वजनिक क्यों कर देते हो? बॉस, ये लोग बड़ी दूर से आपके दर्शन करने आए हैं। ओ, भक्त है ये। उल्लू का पट्टा हमारा काम करेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं चाहिए इस लंगूर की मदद, चल चलते हैं। ठहरो, एक बार जो मेरे दर पर आता है वो गुरु दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं जाता। ओए, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। क्या सोच कर तुम यूटर्न मार रहे हो? तुझे देख के लगता नहीं है तूने किसी को ठोका होगा, सब तुझे ही ठोके गए होंगे। ओ, पहलवान के साथ मेरा लाइव टेलीकास्ट तुमने देख लिया? बच्चे, वो मेरी धुलाई नहीं कर रहा था, वो तो मेरे पास बैंकॉक जाने का वक्त नहीं है, इसलिए उससे थाई मसाज करवा रहा था। दोस्त, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ बांध कर पैर बांध कर अपने चमचों से कहूंगा कि उसकी धुलाई करे। बॉस, पहले पिछली धुलाई का पैसा तो क्लियर कीजिए। जल्दी कर दूंगा, मेरा सितारा चमकते ही पाई पाई चुका दूंगा। और अगर आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे तो? ज्यादा बोलेगा तो आंखें तिरछी कर दूंगा। तुम लोग अपनी नौटंकी चालू रखो, हम निकलते हैं। लड़का जोश से भरा हुआ है। नाम क्या रे? इसका नाम रॉकी है। ये जिस लड़की से प्यार करता है उसे उसका बाप हेलीकॉप्टर में ले गया। लगता है उसका बाप हेलीकॉप्टर ड्राइवर है। दुनिया के बापों की सेम प्रॉब्लम है। आगे बोल। आप इन दोनों को मिला दीजिए ना। डोंट वरी, चाहे हो भोपाल, कानपुर या नासिक, प्रेम के दर से कभी खाली नहीं गया कोई आशिक। समझा इसे। ज्यादा चूरन मत दो, इतना बजट नहीं है। आज तक मैंने 49 शादियां करवाई, हाफ सेंचुरी तेरी शादी से करूंगा। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी काना कोपचा नहीं है जहां मेरा नेटवर्क ना हो। बोल, तेरे प्यार के रोमिंग सिम का किस एरिया में टावर है? आंध्रा।
बॉस यहाँ पर तो आपकी बहुत धुलाई होती है, अब आंध्रा में जाके ठुकाई करवाओगे? हमेशा क्लाइंट के सामने मेरी बेइज्जती करना जरूरी है क्या? इस लौंडे को फंसने दे, तेरा पिछला हिसाब चुकता कर दूंगा। चल बायोडाटा दे। उसका बाप कौन है, पॉलिटिशियन, गुंडा या बिजनेसमैन? 3 in 1। इनमें से एक भी कैटेगरी का होता है तो आपकी पैंट गीली हो जाती है। ये तो तीनों का कॉम्बो है, जरूर पीली हो जाएगी। तेरे अंतर्मन की आवाज मैंने सुन ली। लड़के तूने मुझे रिक्वेस्ट किस लिए? मैंने कब की रिक्वेस्ट? मतलब बाद में शायद करेगा ना। मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों प्रेमियों को मिलवाऊंगा। बाप का नाम क्या है उसके? ठाकुर प्रचंडेश्वर। खमन ढोकलेश्वर। अबे ठाकुर प्रचंडेश्वर। ठाकुर से थोड़ा साइलेंट लगता है, प्रचंडेश्वर से थोड़ा वायलेंट लगता है। उसके नाम में वजन है, मेरे काम में वजन है। एक बात बता, तू हमेशा ऐसे क्यों चलता है? तुझे पाइल से क्या? ये मेरी स्टाइल्स है। आज तक मैं कभी एरिया छोड़कर दूसरे स्टेट नहीं गया, पर बिजनेस फैलाना है तो हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। थोड़ा टीका लेता हूँ। लॉक कर ले। लड़के ने बहुत ही पैसे वाली मुर्गी फांसी है, इससे पूरा महीना निकल जाएगा और पिछला उधार भी चुकता हो जाएगा। इसे मेरा रेट थोड़ा बढ़ा के बता दे, देख रहा है इसे शक ना। टेस्ट मैच की तरह काम 5 दिन का है। हमारे बॉस 5 स्टार में रहते हैं और खाना 5 स्टार का ही खाते हैं। अपना इतना बजट नहीं है। एक खुशखबरी, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 5 स्टार के बदले 4 स्टार, 3 स्टार। अरे बॉस को रेलवे प्लेटफॉर्म भी चलेगा। हाँ, ये चलेगा। नौजवान, एक गुड न्यूज है। इस प्रेम पुजारी ने तुम्हारे साथ चलने का फैसला कर लिया है। हम उसके शहर जाएंगे और लड़की को किडनैप करेंगे। ये बता कि फ्लाइट कब की है? किंगफिशर तो बंद हो गई है, जेट से चले? प्लेन से नहीं, ट्रेन से जाएंगे। क्या, क्यों नहीं? भारतीय रेल ही क्यों? ट्रेन में विदाउट टिकट जा सकते हैं। ट्रेन में विदाउट टिकट? वो कैसे? TCI तो टॉयलेट में छुपकर भी जा सकते हैं ना। टॉयलेट? क्या हम दोनों भी टॉयलेट में ही सफर करने वाले हैं? हाँ, अगर टीसी आए तो। नो! पहली बार ट्रेन में बैठने का मौका मिल रहा है, सीट की लालच मत करो। चलो जयराम जी की। रुको, टॉयलेट में फैन तो होगा ना? जमीन में दफन मेरे बेटे की कसम, मैं तेरी बेटी को मारकर मेरे बेटे के पास पहुंचा दूंगा, वो भी तेरी आंखों के सामने। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। खत्म कर दो, जल्दी डालो सबको। इतना क्यों घुमाया? क्योंकि यहाँ मैं दुश्मनों को भी घुमाने वाला हूँ। टेढ़े काम को सीधी तरह से करे, मैं वो नहीं। मैं बहुत ही खतरनाक गुंडा हूँ। इससे पहले कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, चलो प्रचंडेश्वर के घर जाकर होल देते हैं। उसके आदमियों को तुम संभाल लेना, मैं लड़की लेकर छू हो जाऊंगा। घर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रचंडेश्वर सामने ही है। वो प्रचंडेश्वर है, तू यहीं रुक, उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। उसे मार कर तेरी आइटम भगा कर वापस जाते हैं। भाई, रिटर्न भी विदाउट टिकट ही है। इस बार एयर फ्रेशनर ले लेना, सांस लेना भारी पड़ गया था। चलता जयराम जी। शादी की शहनाई बजा, मैं बैंड बजाने जा रहा हूँ। खुशी के इस माहौल में मैं तंदूरी चिकन खाऊंगा। यहाँ फ्री मिलेगी ना बॉस? फ्री? मतलब तू जेब में कड़क नोट नहीं लाया है?
कड़क नोट की क्या बात करते हो, नरम नोट भी नहीं है। एटीएम कार्ड तो तेरे पास होगा नहीं, इसका मैटर निपटा के एक ग्लास वाटर पीते हैं। उसके लिए पैसे तो नहीं लगेंगे ना बॉस। दारू के लिए पैसे लगते हैं, पानी तो सरकार की तरफ से फ्री है, वाटर इज फ्री। गो ए उजड़ी खेती, तेरी बेटी जवान है। हाँ है। तेरे पास माचिस है? नहीं है। नहीं वहाँ जो लड़का है वो तेरी बेटी से प्यार करता है, मान जा टकलू वरना लड़की उठा के ले जाएंगे, अगर नहीं माना तो यहीं काट देंगे। ये लंगूर सीरियस है क्या? शक्ल से तो एकदम सीरियस लग रहा है बॉस। तो मैं इसे आईसीयू में भेज देता हूँ। बुलेट, बुलेट प्रूफ है बॉडी, बचपन से ही हाजमे के लिए गन खाता हूँ। मुंह में खाकर एंट्री होती है, पेट में ग्राइंडिंग होती है और डिसेंट्री से वापस उसकी एग्जिट होती है। तुझे मारने के लिए गन नहीं चाहिए। ए, छोटी कुल्हाड़ी लेके आओ। क्या पंच मारा है आपने? मुझे तो लगा कि आप धमकी देकर चुपचाप खिसक लोगे। पीछे वार करने वाले बहादुर नहीं होते, असली मर्द थे, सामने से वार किया। ये क्या बॉस, उन्होंने आपके छाती पर ये दो खुंटियां क्यों टांग दी? नहीं छोड़ूंगा, जब अगली बार हमारा आमना सामना होगा तो मैं उस टकले के टकले पर खुद टंग जाऊंगा। झंडू है तू, जब पता था कि वो लोग कुल्हाड़ी मारने वाले हैं तो यहाँ से भागे क्यों नहीं? धंधे के पेशे का उसूल यही कहता है कि भागने का नहीं। अब तू ऐसे रो क्यों रहा है? दर्द हो रहा है इसीलिए रो रहा है। अब इसे निकालने का कष्ट करोगे? ये बैग बीच में लट रही है, इसे यहाँ रख दो। निकालने से अच्छा है कि इसे ऐसे ही रहने दो ना, कुछ ना कुछ टांगने के काम आएगा। कुछ दिन यहाँ ठहर जाते हैं, जख्म भर जाए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवा, 5 बोतल खून चढ़ा। यार अरे भाई साहब, यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है क्या? अरे भेजा हटेले, दिमाग फिरे ले। बॉस आपने हमें कैसे पहचान लिया? थोपड़ा देखकर भूल थोड़ी सकता हूँ तुम्हें। बॉस हमने हुलिया बदल दिया है। हुलिया क्यों बदला है? ये देखिए बॉस, ये भी देखिए बॉस। बेवकूफों, मस्सा लगाने या मूछ लगाने से तुम अलग नहीं दिखोगे, अपने गुरु का नाम तुम लोग मिट्टी में मिला दोगे। बॉस आप ठीक तो हो ना? मेरी कंडीशन देखकर सवाल किया करो। बॉस चलिए चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल इस तरफ है? नहीं, नहीं, इस तरफ है, इस तरफ है। लगता है पहले ही टपका देंगे।